तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मिनट की वीडियोस आपको डालनी चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और आज है संडे। तो संडे को निकल चुका हूँ मैं अपनी स्कूटी लेके टाइम पास करने। संडे यार संडे ही है, भले ही हफ्ते में किसी और दिन छुट्टी हो, पर जो मुझे संडे को आता है वो किसी और दिन नहीं आता। संडे को एक अलग ही फीलिंग आती है जो किसी और दिन नहीं आ सकती। जैसे और दिन छुट्टी होती है ना, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो उस दिन ऐसा मजा नहीं आता जैसे संडे को आता है। इसीलिए बोलते हैं संडे संडे है। सामने देखो क्या तगड़े टायर लग रखे हैं ब्रेजा में। तो अभी घर से निकलते टाइम ना मैं कैमरा लगा रहा था हेलमेट में, और तभी मैंने देखा जो ये माउंट है ना कैमरे का माउंट, वो बहुत जोर से हिल रहा है। फिर देखा तो जो इसमें एमसील लग रखी है वो उखड़ गई। मतलब एमसील तो लगी है पर जो माउंट एमसील से चिपक रखा था वो उखड़ गया साइड साइड से। मैंने ये माउंट ऐसे लगा रखा है ना, साइड साइड में एमसील लगा रखी है और बीच में 3mm की टेप जो आती है माउंट के साथ वो लगा रखी है। और ऐसा नहीं था कि अगर मैं ऐसे यूज करता रहता तो कैमरा गिर जाता। कैमरा तो नहीं गिरता पर फिर भी रिस्क था, कभी भी गिर सकता था अगर एकदम ही कोई गड्ढे में चली जाती है स्कूटी। मतलब एकदम से झटका लगता तो गिर सकता था कैमरा। वो तो सही है, सही टाइम पे मैंने देख लिया। और अभी मैंने फिलहाल टेम्पररी वो कर रखा है इसका इलाज, फेविक्विक लगा दी मैंने बहुत सारी। वैसे अभी तो और कोई इलाज है नहीं इसका, फेविक्विक ही लगानी पड़ेगी मेरे को। घर जाके ना थोड़ी और भर के लगा दूंगा फेविक्विक, फिर उसे अच्छे से सुखा दूंगा। अभी तो मैंने जल्दीबाजी में थोड़ी थोड़ी लगाई है और अब हिल नहीं रहे वैसे तो, पर देखते हैं। इसलिए ना माउंट वाउंट का भी ध्यान रखा करो, थोड़े थोड़े टाइम पे चेक करते रहा करो कहीं क्रैक तो नहीं पड़ रहे, बहुत बार क्रैक भी पड़ जाते हैं, और बाकी टेप तो नहीं निकल रही। और ये माउंट है ना कभी भी लोकल कंपनी के मत खरीदना, उनमें बहुत जल्दी क्रैक पड़ जाते हैं, मतलब हल्के से झटके में क्रैक पड़ जाएंगे उनमें और आपका हजारों का नुकसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो वो भी लगा के रखते हैं जिप टाई, तो उससे बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता, अगर माउंट टूट भी जाएगा ना तब भी कैमरा नहीं गिरेगा नीचे। पर मैंने नहीं लगा रखी है जिप टाई, फिर उसे बार बार निकालने में लगाने में दिक्कत होती है, या फिर देखता हूँ मैं भी लगा लूंगा। नुकसान कराने से तो बढ़िया ही है, जिप टाई लगा लो अपना, सेफ रहेगा कैमरा। और आज एकदम सही टाइम पे निकल गया हूँ मैं घर से, देखो अभी तक तेज धूप हो रखी है, नहीं तो और दिन मैं ऐसे निकल रहा था शाम को जब एकदम ही अंधेरा होने वाला होता था। जा सकते हैं इधर, बंद है ये बंद रास्ते की वजह से ना कल मैं इतने गंदे ट्रैफिक में फंसा। ये लगा लो 2 मिनट के रास्ते में मेरे को 40 मिनट लग गए, हालत ख़राब हो गई थी, पूरा सर घूम गया था मेरा, इतना जाम इतना जाम। और वो चीज़ आज भी हो सकती है इसलिए थोड़ा जल्दी घर आ जाऊँगा। और अभी सबसे पहले मेरे को एक शॉर्ट शूट करना है, मतलब शॉर्ट के लिए वीडियो, और अभी सबसे पहले मेरे को एक वीडियो शूट करनी है शॉर्ट्स के लिए। तो अभी धूप भी अच्छी है फटाफट खींच, तो अभी धूप भी अच्छी है फटाफट बना लेते हैं वीडियो, उसके बाद चलेंगे आगे। तो शॉर्ट वीडियो शूट कर ली है और एक बार वो चेक कर लेता हूँ मैंने वीडियो अपलोड करी है। चलो वीडियो भी हो चुकी है पब्लिक, पब्लिक हो गई भाई, वीडियो पब्लिक हो गई। और वीडियो से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया जो कि आजकल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि भैया हम वीडियोस कितने मिनट्स की अपलोड करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 5 मिनट। तो लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि कितने मिनट की वीडियोज़ हमें डालनी चाहिए यूट्यूब पे, कितने मिनट की चलती है और कितने मिनट की नहीं चलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मिनट की वीडियोस आपको डालनी चाहिए यूट्यूब पे, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो। तो अगर आपके भी दिमाग में यही क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये देखो सामने खड़ी है लेजेंडर, क्या तगड़ी लग रही है। और जो ये क्वेश्चन है ना इसका जवाब भी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग सिचुएशंस पे। अगर आप घूमने जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो उसके लिए अलग वो है टाइम। अगर आप लाइफस्टाइल ब्लॉगर हो तो उनके लिए अलग होता है। तो सब चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रैवल ब्लॉगर है वो 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस डाल रहा है तो उसको देख के आप भी 20-20 25-25 मिनट की वीडियोस डालो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रैवलिंग से। तो अगर आप ट्रैवल करते हो, आपका एक ऐसा चैनल है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस डालते हो, या फिर ऐसा चैनल है कि कभी कभी ट्रैवल करते हो और कभी कभी नहीं करते, तो जिस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर जिस टाइम आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हो तो उस टाइम आप ज़्यादा मिनट की वीडियोस डाल सकते हो, ज़्यादा ड्यूरेशन की वीडियोस डाल सकते हो, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक भी ले जा सकते हो। और एक बार आपका चैनल चल जाए फिर तो आप कितने मिनट की वीडियो भी डालो,
पर ये वीडियो तो उनके लिए जो चैनल स्टार्ट करने वाले हैं या फिर बिगिनर हैं, क्योंकि जिसका चैनल चल जाता है वो तो कुछ भी डाले, किसी भी टाइम डाले, कितनी भी बड़ी डाले, सब चलता है। संडे के दिन तो यार किसी भी टाइम निकल जाओ, रोड खाली मिलते हैं और दिन के मुकाबले। ये देखो यहाँ पे पेड़ भी गिर रखा है टूट के। आज तो चेकिंग चल रही है, बहुत सारे लोगों को रोक लिया, ऑटो भी स्कूटी वाले भी सब साइकिल वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये देखो फोटोशूट चल रहा है रोड पे, यहाँ से एक बार वो करा लेता हूँ, हवा चेक, एयर प्रेशर कम हो रखी थी यार आगे वाले टायर में, 21 हो रखी थी हवा। मेरे ख्याल से आगे वाला टायर पंचर हो गया है, चेक करना पड़ेगा या फिर करवाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप डेली व्लॉग्स डालते हो, ऐसी लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हो, तब आपको कितने मिनट के व्लॉग्स बनाने चाहिए। वैसे ना जो डेली व्लॉग्स होते हैं वो मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर अंदर ही होने चाहिए। मैं भी अपनी ज़्यादातर वीडियो 9 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच में ही रखता हूँ, और अगर वीडियो ज़्यादा छोटी हो जाती है तो 7 मिनट 8 मिनट की भी रख देता हूँ कभी कभी। तो आप भी इतने की रख सकते हो, 7, 8, 9, 10 मिनट की। 10 तक भी मत पहुँचने दो, अगर 10 मिनट हो रहे हैं ना तो 2-3 सेकंड कम कर दो उसमें से। 9 मिनट 55 सेकंड कर लो, 9 मिनट 58 सेकंड कर लो, क्योंकि वो थोड़ा देखने में कम लगता है। जैसे दुकान वाले फ़ोन के प्राइस नहीं रख देते 10,000 की जगह 9999, ऐसे ही करना है आपको भी। बाकी 10 से अगर नीचे नीचे है फिर तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी, लेकिन अगर 10 मिनट से थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो थोड़ा कम कर दो। हाँ अगर कोई एक ऐसी वीडियो है जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कम मिनट में नहीं दी जा सकती, तो उसे आप उतनी रख सकते हो, चाहे वो 16 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है सबके लिए। तो इसलिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ तो उतनी होनी चाहिए जितने की वो बन रही है, भले ही 20 मिनट की बने, आधे घंटे की बने, एक घंटे की बने। अगर उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो एक घंटे से कम में नहीं दी जा सकती तो उसे एक घंटे का ही रखना पड़ेगा। तो इससे एक और चीज़ निकल के सामने आती है कि अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो या फिर कभी कभी बनाते हो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जैसे मैं भी बना देता हूँ कभी कभी, देख लो पोर्श, तो उस टाइम आप वीडियो को बड़ा रख सकते हो। तो बस मेन तो अपना कंटेंट इसी चीज़ के रिलेटेड है, एक तो ट्रैवलिंग और डेली व्लॉग्स हो गए, डेली मोटो व्लॉग्स हो गए, और वो दोनों ही मैंने आपको बता दिए हैं, और कभी कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो गई वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी जो और चीज़ें हैं उनका मेरे को इतना पता नहीं है, जो जो चीज़ें मेरे को पता है जिसके बारे में मैं वीडियोस बनाता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ओ भाई यहाँ कारें कितनी तगड़ी तगड़ी दिख रही है चारों तरफ, कहीं भी नज़र घुमा लो सब जगह तगड़ी तगड़ी कारें खड़ी हो रखी है। आज तो यार ये वाली रोड कितनी ज़्यादा खाली है, नहीं तो और दिन ना इस रोड पर रेंगते जाना पड़ता है, इतना जाम होता है। ये देखो वो देखो सामने हो गया यार सनसेट, तो थोड़ी थोड़ी रोशनी बची है, नहीं हल्का सा बचा है सूरज, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। और अब देखो कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, जब घर से निकला था तो धूप हो रही थी, एक घंटे में ही मौसम कितना ज़्यादा बदल जाता है ठंडियों में। और इसी के साथ अब पहुँच गया हूँ मैं घर के पास। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कितने मिनट की वीडियोस डालनी चाहिए यूट्यूब पे, और या फिर आप यूट्यूब पे पोल करके भी डाल सकते हो कि कितने मिनट की वीडियो डालूं मैं, क्योंकि सबकी ऑडियंस अलग अलग ड्यूरेशन की वीडियो देखना चाहती है। आजकल तो पोल वाला सिस्टम कम सब्सक्राइबर्स में भी देने लग गया है यूट्यूब, तो उसका यूज़ भी कर सकते हो आप। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, अब आपसे मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।